बड़ा मामला, जी हाँ बड़ा मामला करनाल से सामने आया है। और किस तरीके से जो सुभाष चंद्र डीटीओ यमुनानगर एडिशनल चार्ज करनाल, उनको फिलहाल विजिलेंस द्वारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 30 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जो कलेक्शन एजेंट है उनके पास से बताया जा रहा है कि 36,93,000 रुपए उनके कलेक्शन एजेंट से बरामद करे। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यमुनानगर से करनाल, जी हाँ यमुनानगर से करनाल उन्हें लेकर पहुंच चुके हैं। सुबह नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आप देख सकते हैं विजिलेंस ने फिर से एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जी हाँ यमुनानगर, जी हाँ यमुनानगर डीटीओ को रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ा गया है। एक एचसीएस अधिकारी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं उनको रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ा गया है। बताया जा रहा है एक युवक द्वारा यूपी के जो है शिकायतकर्ता थे, जिन्होंने शिकायत दी थी कि जो ये आरटीओ हैं, अगर बात की जाए करनाल का एडिशनल चार्ज इनके पास है, जो डीटीओ यमुनानगर सुभाष चंद्रा है इनके पास से टोटल जो बताया जा रहा है कि 66,93,000 रुपए बरामद किए गए हैं। जी हाँ 66,93,000 रुपए टोटल इनसे बरामद किए गए हैं। इसमें से 30 लाख रुपए जो डीटीओ हैं सुभाष चंद्र डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यमुनानगर, जिनके पास एडिशनल चार्ज करनाल था, उनसे बरामद किए गए हैं। और साथ साथ इनके साथ जो 4 कलेक्शन एजेंट पकड़े गए हैं उनसे बरामद किए गए हैं पूरे 36,93,000 रुपए, यानी कि टोटल 66,93,000 रुपए बरामद किए गए हों, हो ना हो कहीं ना कहीं ये रिश्वतखोरी के पैसे थे जो बरामद किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि सुभाष चंद्र एचसीएस अधिकारी हैं डीटीओ यमुनानगर, जिनके पास एडिशनल चार्ज करनाल। विजिलेंस के बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि करनाल विजिलेंस के जो इंस्पेक्टर हैं सचिन द्वारा उन्हें दबोचा गया। इसके अंदर जो 4 कलेक्शन एजेंट हैं वो जगाधरी यमुनानगर के बताए जा रहे हैं। उनका नाम आपको बता दूं, एक का नाम संदीप, दूसरे का अंकित गर्ग, तीसरे का नीरज गुलाटी और चौथे का मानिक बताया जा रहा है। जो 4 और कलेक्शन एजेंट इनके बताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं जो डीटीओ साहब हैं वो इतनी बड़ी रिश्वत की राशि जो है वो लिया करते थे। बताया जा रहा है कि ओवरलोडेड वाहनों का चालान ना करने की एवज में वो 10 से 15,000 रुपए रिश्वत के लिया करते थे। जी हाँ 10 से 15,000 रुपए रिश्वत के लिए करते थे। और सबसे बड़ी बात, ओवरलोडेड वाहनों के कारण लगातार हादसे सामने आते हैं और कोई ना कोई अपनी जान भी गंवा रहा है। जी हाँ कोई ना कोई अपनी जान भी गंवा रहा है। टोटल 66,93,000 रुपए एक भारी रकम उनसे बरामद की गई है, जिसमें से 30 लाख रुपए डीटीओ सुभाष चंद्र के पास से बरामद किए गए हों और 36,93,000 रुपए उनके कलेक्शन एजेंटों से बरामद किए गए। उनके साथ साथ 4 कलेक्शन एजेंट जो हैं वो पकड़े गए हैं। और जो डीटीओ यमुनानगर है उनके पास एडिशनल चार्ज करनाल का है। अब करनाल में अगर बात की जाए, यमुनानगर में बताया जा रहा है कि उन्हें पकड़ा गया है। और फिलहाल अगर करनाल का उनके पास एडिशनल चार्ज था तो क्या कुछ भ्रष्टाचार का खेल करनाल में हो रहा था, वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जो इंस्पेक्टर सचिन है, विजिलेंस इंस्पेक्टर सचिन है, उनसे जरूर बातचीत करेंगे कि क्या क्या कुछ उनका कहना है। फिलहाल आपको फिर से ये तस्वीर दिखा दूं, ये तस्वीर है डीटीओ यमुनानगर एडिशनल चार्ज करनाल, जी हाँ सुभाष चंद्र आरटीओ। आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट टाउन ऑफिसर यमुनानगर है आरटीओ, रीजनल टाउन ऑफिसर सुभाष चंद्र एससीएस अधिकारी। और किस तरीके से उनसे जो है टोटल अगर बात की जाए, जो टोटल पैसों की रुपयों की बरामदगी हुई है वो 66,93,000 रुपए जो है पकड़े गए हैं, बरामद किए गए हैं। उसके साथ साथ 30 लाख रुपए सुभाष चंद्र जो अधिकारी हैं उनसे और जो उनके कलेक्शन एजेंट हैं 36,93,000 रुपए हैं वो उनसे बरामद किए गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं ये तस्वीरें विजिलेंस करनाल के बाहर से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है वो अधिकारियों को अब दबोचा जा रहा है, रिश्वतखोर अधिकारियों को दबोचा जा रहा है। और फिर से एक बार बता दूं, जो सुभाष चंद्र हैं वो कैथल के रहने वाले बताए जाते हैं, डीटीओ यमुनानगर एचसीएस अधिकारी। जी हाँ आज ही उन्हें बताया जा रहा है कि अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट उन्हें पकड़ लिया गया है और रिश्वतखोरी के मामले में। और सबसे बड़ी बात जो बताया जा रहा है कि यूपी से किसी ने शिकायत की, यूपी के जो हैं वो शिकायतकर्ता हैं जिन्होंने शिकायत की, और ये पूरी
जो रिश्वत ली जाती है वो ओवरलोडेड वाहनों का चालान ना करने की एवज में जो है ली जा रही थी। 2-10 से 15 हज़ार रुपये की राशि बताई जा रही है कि ओवरलोडेड वाहनों का चालान ना करने की एवज में जो है ये पूरी राशि ली जा रही थी। अब इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से फर्जी आरटीए का खेल भी चलता है। कई बार जो है हाईवे पर इस तरीके के लोग मिलते हैं, जी हाँ हाईवे पर इस तरीके के लोग मिलते हैं, और आपको बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर है। जी हाँ, आपको बहुत ज़्यादा सावधान, क्योंकि वो लोग फर्जी होते हैं और जो है फर्जी होते हैं और वो लोग आपका चालान करने के लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से बड़ा मामला, जी हाँ बड़ा मामला करनाल से सामने आया है, और किस तरीके से जो सुभाष चंद्र डीटीओ यमुनानगर एडिशनल चार्ज करनाल, उनको फिलहाल विजिलेंस द्वारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 30 लाख रुपये बरामद किए गए हैं। जो कलेक्शन एजेंट है उनके पास से बताया जा रहा है कि 36,93,000 रुपए उनके कलेक्शन एजेंट से बरामद करे। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यमुनानगर से करनाल, जी हाँ यमुनानगर से करनाल उन्हें लेकर पहुंच चुके हैं सुभाष चंद्र एससीएस अधिकारी। और फिलहाल आप देख सकते हैं विजिलेंस के बाहर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़े अधिकारी को, जी हाँ एक बड़े अधिकारी को पकड़ा गया। और कुल बरामदगी अगर बात की जाए 66,93,000 रुपए कुल बरामद किए गए हैं। जी हाँ, इतनी बड़ी राशि जो है वो बरामद की गई है। किस तरीके से चार बताया जा रहा है कि कलेक्शन एजेंट हैं, और किस अब जो है उन्हें करनाल विजिलेंस जो है लेकर पहुंचे हैं, और आप देख सकते हैं कि अंदर जो उन्हें लेकर पहुंच चुके हैं। फिलहाल एक बार फिर से ये तस्वीर भी आपको दिखा दें कि ये सुभाष चंद्र, जी हाँ सुभाष चंद्र डीटीओ यमुनानगर करनाल एडिशनल चार्ज, उनको जो है पकड़ लिया जाता है। पूरी जो बताया जा रहा है कि जो ये रिश्वत ली जाती थी वो ओवरलोडेड वाहनों का चालान ना करने की एवज में ही ली जा रही थी। अब उन्हें अभी विजिलेंस की टीम जो है वो लेकर पहुंची है करनाल विजिलेंस ऑफिस में। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें लगातार आपको करनाल से दिखाई जा रही हैं कि एक जो है बड़ी खबर किस तरीके से सामने आती है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो चार एजेंट हैं वो कौन कौन हैं। यहाँ पर चार एजेंट बताए जा रहे हैं कि संदीप, अंकित, नीरज, मानिक जो है कलेक्शन एजेंट बताए जा रहे हैं, जिन्हें पकड़ा गया, और इनके थ्रू जो है कहीं ना कहीं ये राशि, रिश्वत की राशि जो है वो ली जाती रही होगी। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले में जो विजिलेंस इंस्पेक्टर हैं उनसे सीधी बातचीत जरूर करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल उनके द्वारा आप देख सकते हैं कि इसकी जरूर पुष्टि की गई है कि जो आरटीओ ऑफिसर है उनको पकड़ लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यमुनानगर एससीएस जो है वो अधिकारी, किस तरीके से उन्हें पकड़ लिया गया, और अभी जो है विजिलेंस ऑफिस लेकर पहुंचे, एक बार बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विजिलेंस इंस्पेक्टर सचिन हमारे साथ हैं, उनसे जरूर जान लेंगे कि क्या कुछ जो है उनसे क्या रंगे हाथों उनको पकड़ा गया है। पूरा कौन है एससीएस अधिकारी? रंगे हाथों नहीं जी, अभी इसमें ऐसा है, हमारे पास 8 तारीख को एक कंप्लेनेंट आए थे जी। वो ट्रांसपोर्टर हैं और उनकी 4-5 गाड़ियाँ हैं यमुनानगर में, और यमुनानगर वाले रूट से अपने इधर को चलती हैं जो माइनिंग मटेरियल कैरी करती हैं। तो उनसे जो है आरटीए विभाग से आरटीओ ने जो उनसे डिमांड की हुई थी 10,000 रुपये प्रति गाड़ी हरियाणा नंबर की गाड़ी का जी, और 15,000 रुपये के लगभग जो बाहर की गाड़ियों का यूपी नंबर या अदरवाइज़ कोई भी नंबर है, तो वो ये पैसे देना नहीं चाहते थे। पर मंथ उनसे मंथली के तौर पे उनसे मांग रहे थे जी। तो उन्होंने फिर हमारे को शिकायत की यहाँ पर करनाल में, और उसके बाद हमने रेड हैंडेड एक एजेंट जो उनके आरटीओ विभाग के थे उनको गिरफ्तार किया 40,000 की राशि के साथ जी। और उसके बाद 3 और एजेंट्स को, कलेक्शन एजेंट्स को गिरफ्तार किया जो रिश्वत के तौर पर दी जाने वाली राशि को ट्रांसपोर्टर से लेकर और आरटीओ को वो फिर आगे पे करते थे। उसके बाद जैसे हमारे इस इन्वेस्टिगेशन में आगे हम बढ़े तो उसमें आरटीओ को आज हमने जो श्री सुभाष हैं, डॉक्टर सुभाष हैं, आरटीओ यमुनानगर हैं और उनके पास करनाल का भी एडिशनल चार्ज है, जिनको आज गिरफ्तार किया गया है करनाल से। एचसीएस अधिकारी हैं जी, एचसीएस ऑफिसर हैं जी, और इनको, इनके पास से जो है हमारे को रिश्वत के तौर पर इकट्ठी की हुई 30 लाख के आसपास की
30 लाख की राशि बरामद की जा चुकी है और इस मामले में अब तक 66,15,000 रुपये के आसपास की जो राशि है वो रिकवर की जा चुकी है। आगे अभी हम कल इनको कोर्ट में माननीय न्यायालय जो यमुनानगर है वहाँ पेश करेंगे और रिमांड कॉल करेंगे आगे इन्वेस्टिगेशन। सचिन जी, किस तरह का ये रैकेट चलता था और कैसे आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है? जी, मैंने आपको बताया ना, वही डिटेल है कि कंप्लेनेंट आए हैं, आप लोगों के माध्यम से अपील करने का यही बेनिफिट है कि वो पैसे नहीं देना चाहते और जो रिश्वत के तौर पे उनसे मंथली के रूप में पैसे मांगे जा रहे थे और नहीं देना चाहते थे, तो उसके बाद उन्होंने शिकायत की और रेड हैंडेड गिरफ्तार किया और एक से बाद एक कड़ी जुड़ती गई और गिरफ्तार। जिस तरह से बात करें हम लोग भी ओवरलोड, जिस तरह के ये वाहन चलाते थे, ओवरलोड माल ले जाते थे, चलान से बचने के लिए मंथली देने की बात जिस तरह से सामने आ रही है, क्या बताने देंगे? सर ये मैं बता चुका हूँ आपको। सर टोटल अमाउंट कितना बताया जा रहा है? सर 66,15,000 रुपए के आसपास की रिकवरी की जा चुकी है। सर जो पहले चार क्यूज पकड़े हुए हैं वो कहाँ पे है? वो अंदर जा चुके हैं कैसे? जी, उनको जुडिशियल कस्टडी भेजा जा चुका है जी। अभी आज इनको गिरफ्तार किया है आरटीओ साहब को जी और कल इनको पेश करके रिमांड कॉल। सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? सामने आ सकते हैं करनाल के? देखिए वो एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा शेयर करेंगे। और भी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं इसके अंदर पूरे जी? देखिए वो अभी मैं नहीं कह पाऊंगा। गिरफ्तारी कहाँ से जी? करनाल से। सर एक सवाल है कि मनाही करते हैं कि ब्राइब ना दें किसी को सरकारी कार्य के लिए और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसको जितने भी निम्न स्तर पर लाया जा सके हम बिल्कुल लेके आएंगे। थैंक यू। कि जो डीटीओ यमुनानगर जिनके पास एडिशनल चार्ज करनाल का था उन्हें करनाल से ही गिरफ्तार किया गया है। चार कलेक्शन एजेंट भी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और सबसे बड़ी बात बहुत बड़ी जो है राशि उनसे बरामद कर ली गई है। लगभग पूरी जो बताई जा रही है कि 67 लाख के आसपास की जो है राशि उनसे बरामद की गई है और सबसे बड़ी बात जो है लगातार जो है भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़े जाने के बावजूद भी जो ये रिश्वत का खेल है वो खत्म नहीं हो रहा है। जी हाँ, 10,000 से 15,000 रुपए ओवरलोडेड वाहनों का चलान ना करने की एवज में ये राशि मांगी गई थी। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपसे भी कोई इस तरह का अधिकारी रिश्वत मांगता है तो आप विजिलेंस में आकर इसकी शिकायत जरूर दे सकते हैं। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।